बेंगोल सफारी पार्क में रॉयल बेंगोल टाइगर के तीन शावकों को आज से पर्यटक देख पाएंगे। तीनों शावक पहली बार मां शीला के साथ बेंगोल सफारी पार्क के जंगल में छोड़े गए हैं। फिलहाल ये तीनों शावक अपनी नटखट हरकतों से पर्यटकों का मनोरंजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बेंगोल सफारी पार्क के पांचवें स्थापना दिवस पर शीला के इन तीन शावकों को खुले जंगल में छोड़ा गया है। इस दौरान बेंगोल सफारी में वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। तीनों शावकों को आज सुबह करीब 10 बजे बेंगोल सफारी पार्क में छोड़ा गया। फिलहाल कुछ समय के लिए ही पर्यटक इन रॉयल बेंगोल शावकों को देख पाएंगे। जानकारी के अनुसार यदि आने वाले दिनों में ये शावक धीरे धीरे जंगल में घूमना सीख लेते हैं तो उन्हें पूरे दिन पर्यटकों के लिए जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वहीं वनकर्मी तीनों शावकों पर नजर रखेंगे। आज एक फिशिंग कैट और एक तेंदुआ को भी पर्यटकों के लिए जंगल में छोड़ा गया है। शीला ने पिछले साल अगस्त महीने में तीन शावकों को जन्म दिया था, लेकिन इन शावकों को एनक्लोजर में रखा गया था जिस पर वन अधिकारियों की नजर बनी हुई थी। लगभग 5 महीने के बाद शावकों को जंगल में छोड़ा गया है। हालांकि अब भी इन शावकों का नामकरण नहीं किया गया है। बेंगोल सफारी पार्क सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही इन तीनों शावकों का नामकरण कर सकती है। পরবর্তীতে আমাদের তিনটে শাবককে আমরা মেল হিসাবে আইডেন্টিফাই করেছি এবং আমাদের তিনটে শাবক মেল হয়েছে। এখন 5 মাস আজকে 11 দিন বয়স ওদের, তো বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম মানে ডিমান্ডও আছে এবং আমাদের অফিসাররাও বলছিলেন যে টুরিস্টদের জন্য আমরা ওদেরকে আজকে থেকে আমরা ডিসপ্লেতে রাখবো। অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাগুলো এখনও ছোটো, সমস্ত সাফারি এরিয়া ঘোরার মতো স্টেজ ওরা নিতে পারবে না, সেই জন্য আমরা ওই হয়তো প্রতিদিন কিছুক্ষণ করে আমরা ছেড়ে আবার ওকে লুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। এইভাবে ওদের যে স্ট্রেংথ বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে পরবর্তীতে টুরিস্টরা ওদেরকে ভালোভাবেই দেখতে পায়।